26वीं कहानी। यीशु अपनी सेवा शुरू करा सा। शैतान री परीक्षा रो इनकार करने बासी है यीशु वापिस गलील रे इलाके दिया शो। ये से जगह आसा जिये से उरवा थो। पवित्र आत्मा तेसले बड़ी शक्ति थो देंदे लगों दो। और यीशु एक ही जगह को दूजी जगह दी डेव और लोगुले शिक्षा दी। सारे वे तेसरे बारे दी अच्छी बुशेले बोली। यीशु नासरत इलाके दी डेव एऊ सेऊ गांव थो जिये सेऊ बड़ो बड़ो थो। आर हमारे दिने सेऊ आराधना करने री जगह दी डेव। एक ही अगुए तेसके यशाया भविष्यवक्ता रे संदेश री किताब देई से चाहते कि सेऊ तेतकु पड़ा। एथीले यीशु तिये किताब खोलियो तेसरो एक भाग लोगों के पढ़ो। यीशु पढ़ो परमेश्वर मुके एक आत्मा दे ओंदो ताकि हाँ गरीबुले खुशखबरी रो प्रचार करी सकूं। तिणी हाँ एथीले भेजू कि कैदी आजाद करूँ शेड़ेउले तो ये प्याशो देऊ और तिउले छुटकारो देऊ जस दूजे लोग दबाऊंदे ही लगे ओंदे। एवे जो भगता जेबी परमेश्वर आमो मथे दयालु हुआलो और हमारी मदद करलो। तबे यीशु बोशी गो। सारे लोग तेस बड़े ध्यान करिए देखदे लागे कहले कि से जाने थे कि पवित्र शास्त्र रो जो भाग तिणीए इबी पढ़ो थो से हो मसीहा रे बारे दी थो। यीशु बोलो जो बूश मुये इबी तुमले पढ़िया से एजे बोगते पूरी योंदे लगी होंदे। सारे लोग हैरान हुए से आपू मांझे बोल दे लगे का ए यूसुफ रो छोरू नहीं आस तो। तबे यीशु बोलो एव सच हुआ कि लोग केजे इन्हें भविष्यवक्ता के भी नहीं अपनाऊंदे जो त्यूरे इलाके दी बड़ो बड़ो लो। एलिया भविष्यवक्ता रे वक्ता दी इसराइल दी बड़ी का विद्वती पर जे भी 3.5 साल जाऊं पानी नहीं लागो तब परमेश्वर एलिया ले इसराइल दी केजी विद्वारी मदद करना ले नहीं भेजो। इतरे बजाय तिणीए एलिया केजी और दिशारी विधवा का भेजो। यीशु बोल दे था को लगी और एलिया भविष्यवक्ता रे वक्ता दी इसराइल दी भोरी का लोग चमड़ी री बीमारी को दुखी थे पर एलिशे त्यू मांजा को केजे भी चांगे नहीं किए। तिणीए सिर्फ इसराइल रे दुश्मन रो सिपाही ना मान चांगो कियो पर जो लोग यीशु सुनते थे लगे होंदे से यहूदी थे। इथीले जे भी त्यूए से इणो बोल दे सुनो तसे तेसकु रोशुए। नासरत रे लोग हुए यीशु पकड़िए रो और से वो आराधना री जगह को जिड़ियो बाहर नी गो। तिवे से वो तोड़े छोटियो जांगना ले एक ही डोके माथे नियो पर यीशु भीड़ को निकली गो और नासरत इलाके छड़ियो डे गो। तबे यीशु सारे गलील रे इलाके दी डेओ और लोगों री बड़ी भीड़ तेस पिछु आशी। तिवे इणे बोरी का लोग आने जो बीमार और अपंग थे त्यों मांझा को केजे शेड़े केजे लोंगड़े केजे टोणे और केजे लाटे थे और यीशु से सारे चंगे किए। इथरे अलावा भोरी का इन्हें लोग यीशु का आने जास्ती बुरी आत्मा थी। यीशु बुरी आत्मा ले त्यों मांझा को निकलने रो हुक्म देव। से दुष्ट आत्माएं बार बार चिल्लाई तू परमेश्वर रो छोर हुई। भीड़ रे लोग हैरान थे और त्यों परमेश्वर री बड़ाई करी। तबे यीशु 12 मोरत छाटे जासले तिणी अपने खास चेले बोलो। त्यों चेले हुए तेसाइले सफर कियो और तेसरी शिक्षा अपनाई।